अपनियां डिग्रियां साड़ के प्रदर्शन कर रहे ए बेरोजगार ईटीटी टैट पास अध्यापक ने जो संगरूर च अपनी डिग्रियां साड़ के पंजाब सरकार ते शिक्षा विभाग खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ने। इन्हां अध्यापकां दा कहना है कि जेकर सरकार उन्हां नूं नौकरी नहीं दे सकती तां उह डिग्रियां दा की करनगे, इसे लई उह डिग्रियां साड़ के प्रदर्शन कर रहे ने। अध्यापक यूनियन अज दा जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट सीगा जिहड़े कि अपनियां डिग्रियां कीतियां होईयां जिहड़े पास एलिजिबल टेस्ट असीं कीता होया उस दीआं डिग्रियां जिहड़ियां अज असीं शहीद भगत सिंह दे विच जिहड़े कि मार्केट दे विच जाके सब्जी मंडी दे कोल असीं डिग्रियां फूकियां ने। अज साडा रोस इह सीगा कि जिहड़े कल दे दिन कैबिनेट दे विच जिहड़ा कि इन्हां ने फैसला लिया है सरकार ने जिहड़े कि 2500 अध्यापकां दी जिहड़े कि भर्ती बारे उह जिहड़ी 2500 अध्यापकां दी जिहड़ी भर्ती करन बारे इन्हां ने फैसला लिया है वो एक जख्मां ते नमक छिड़कण दा इन्हां ने काम करिया है अध्यापकां ते, जो कि पता नहीं चल रहा कि बीएड वाले अध्यापकों की भर्ती हो रही है कि ईटीटी वाली जा आर्ट एंड क्राफ्ट वाले अध्यापकों की भर्ती हो रही है। इसको एक डिमांड है भावें वह बैकलॉग की भर्ती है भावें वह नवी भर्ती है वो प्लस टू के आधार पर भर्ती की जाए। और दूसरा साढ़े मरण वर्त के जोड़े दो साथी बैठे ने वो एक साथी की जी कंडीशन है वह खराब है वो जो खून दल्टियाँ रात उन्होंने आईया तो प्रशासन वालों भी सूँ तंग परेशान किया गया। और दूसरा साडा हरजीत जो साथी जो उनकी फाइनैशियली हालत भी बिल्कुल खराब है क्योंकि दो बच्चे वो घर और दिहाड़ी करके जोड़ा अपने घर का गुजारा चलाते सी अज मरण वर्त पर बैठे ने साडे नाल असीं सरकार नूं दसना चाहुंदे आ उस तां सरकार शर्म करे। संगरूर च बेरोजगार अध्यापकों का सरकार खिलाफ संघर्ष पिछले कई दिनों तो जारी है। सुनाम रोड उत्ते ए पानी की टैंकी उपर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे सन। अज ए अध्यापक सड़कों उत्ते उतरे अते सरकार खिलाफ नारेबाजी की। हुण देखना यह होगा कि सरकार इन्हां दीआं मंगां वल कदों ध्यान दिंदी है। संगरूर तो राजेश कोहली जगबाणी टीवी।